हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम ऐसे इंडेक्स के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, निफ्टी नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स। इंटरेस्टिंगली ग्रो म्यूचुअल फंड लेकर आ रहा है एनएफओ बेस्ड ग्रो निफ्टी नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स फंड, जो ओपन रहेगा 2 मई से लेकर 16 मई के बीच में। तो आज हमारे साथ है ग्रो म्यूचुअल फंड से नम्रता जी, जो हमें इस फंड और इस इंडेक्स के बारे में पूरी डिटेल से बताएंगे। हेलो जयेश जी, एंड हेलो टू ऑल द व्यूअर्स। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। तो हेलो नम्रता जी, क्या आप हमें बताएंगे कि भाई निफ्टी नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स एक्चुअली है क्या, क्योंकि काफी लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि निफ्टी नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स है क्या, राइट? तो इस इंडेक्स में जो है ऐसी कंपनीज हैं जो हम डे टू डे यू नो यूज करते हैं। तो बेसिकली ऐसी कोई भी कंपनीज जिनका कंजम्पशन हम रेगुलरली करते हैं, उन कंपनीज के स्टॉक्स इस इंडेक्स में रहते हैं। तो बेसिकली जो इंडस्ट्रीज फोकस्ड रहती हैं वो ये हैं, वो इंडस्ट्रीज यही होती हैं जिनके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हम रेगुलरली यूज कर रहे हैं। तो वी कैन से कि जो निफ्टी नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स है वो ऐसी स्टॉक्स की परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है जो ब्रॉडली रिप्रेजेंट हैं इन द नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर थीम विद इन द बेसिक इंडस्ट्रीज। तो अगर हम बेसिक इंडस्ट्रीज की बात करें तो वो हो गए कंज्यूमर गुड्स, कंज्यूमर सर्विसेज, टेक्सटाइल सर्विसेज, मीडिया एंड सो ऑन, राइट? तो थोड़ा अगर टेक्निकली समझें, निफ्टी नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर थीम विद इन द बेसिक इंडस्ट्रीज को ट्रैक करता है बाय सेलेक्टिंग 30 लार्जेस्ट स्टॉक्स। जो सबसे बड़े 30 स्टॉक्स होते हैं इन दीज इंडस्ट्रीज, उनको ट्रैक करता है। और ये किस बेसिस पे स्टॉक सेलेक्ट किए जाते हैं, दैट्स बेस्ड ऑन द 6 मंथ एवरेज फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन एज ऑन द कट ऑफ डेट्स एट द एंड ऑफ जैन एंड एंड ऑफ जुलाई। तो जो स्टॉक्स का वेटेज रहता है ना इस इंडेक्स में, वो भी इसी फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे रहता है, एंड द वेटेज ऑफ ईच स्टॉक इज कैप्ड एट 10%। तो ये तो हमें पता चल गया कि भाई निफ्टी नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स होता क्या है। अब क्या आप हमें ये बताएंगे कि इस इंडेक्स के अंदर कौन कौन सी इंडस्ट्रीज शामिल होती है, उसके अलावा कितना कितना परसेंटेज है अलग अलग इंडस्ट्रीज का? आई थिंक ये जानना भी जरूरी है कि कौन कौन सी इंडस्ट्रीज होती हैं, बिकॉज आई सेड कि जो बेसिक इंडस्ट्रीज, राइट? तो उसका थोड़ा समझते हैं। सो इस इंडेक्स में टोटली 7 इंडस्ट्रीज हैं। सो दे आर FMCG, कंज्यूमर सर्विसेज, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज, टेक्सटाइल्स, एंड देन यू हैव मीडिया, एंटरटेनमेंट एंड पब्लिकेशन। तो जैसे आपको जो चार्ट दिख रहा है अपनी स्क्रीन पे, उससे आपको पता चलेगा कि हर इंडस्ट्री का ब्रेकअप कितना है और विच इज द लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट। तो अगर हम थोड़ा डीप डाइव करें ईच ऑफ दीज इंडस्ट्रीज, सो लेट मी एक्सप्लेन कि इस इंडस्ट्रीज में क्या क्या इंक्लूडेड रहता है। तो अगर हम FMCG की बात करें, दैट इज नथिंग बट फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, और इसमें जो पॉपुलर डे टू डे प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे आपके बेवरेजेस, फूड, यूटिलिटीज, वो इंक्लूडेड रहते हैं। फिर अगर हम कंज्यूमर सर्विसेज की बात करें, दैट वुड बी यू नो जो रेगुलर सर्विसेज हम यूज करते हैं, बैंकिंग, इंश्योरेंस, हेल्थ केयर। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की अगर हम बात करें तो वो जो लॉन्ग लास्टिंग गुड्स होते हैं, राइट? जैसे अप्लायंसेज हो गए, फर्नीचर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, दैट्स इंक्लूडेड इन कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। टेली कम्युनिकेशन इज ऑफ कोर्स कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सर्विसेज इंक्लूड एवरीथिंग, ट्रांसपोर्टेशन, हॉस्पिटैलिटी, एजुकेशन, लीगल सर्विसेज, वो सब इसमें इंक्लूडेड रहते हैं। एंड टेक्सटाइल्स ऑफ कोर्स, यू नो प्रोडक्शन ऑफ टेक्सटाइल्स एंड फैब्रिक्स। तो ये जो डे टू डे चीजें हम यूज कर रहे हैं वो सारी इंडस्ट्रीज इसमें इंक्लूड हो जाती हैं। तो आपने ये तो अच्छी तरीके से समझा दिया कि भाई इसमें जो कंपनी शामिल होती है जिनकी डे टू डे जरूरत रहती है। अब आप हमें ये बताइए कि भाई निफ्टी नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स फंड है, इसके अंदर कोई क्यों इन्वेस्ट करे? ओके, देखिए, सो लेट्स अंडरस्टैंड कि इस इंडेक्स में जो है, ये इंडेक्स आपको इंडिया की टॉप 30 कंज्यूमर का एक्सेस देता है विदाउट यू हैविंग टू सिलेक्ट द स्टॉक टू दिस वन इंडेक्स। आई थिंक एक चीज जो देखनी बहुत जरूरी है वो है कि अगर हम हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखें इस इंडेक्स की, सो लेट्स जस्ट टेक 11 इंस्टेंसेस ऑफ मार्केट करेक्शन, राइट? तो ऐसे 11 इंस्टेंसेस जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं जहां पे मार्केट करेक्शन हुआ है, नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स ने निफ्टी 50 को 9 बार आउट परफॉर्म किया है आउट ऑफ दीज 11 इंस्टेंसेस। तो अब क्या आप हमें क्लियर पिक्चर बता सकते हैं निफ्टी नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स का निफ्टी 50 से कंपैरिजन करके कि भी इसने निफ्टी 50 के अगेंस्ट में कैसा परफॉर्मेंस किया है? sure.
देखिए परफॉर्मेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है. आई थिंक हर इन्वेस्टर परफॉर्मेंस जरूर देखता है बिफोर ही और शी स्टार्ट्स इन्वेस्टिंग. सो लेट्स अंडरस्टैंड कि निफ्टी नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स का निफ्टी 50 के कंपैरिजन में परफॉर्मेंस कैसा रहा है. तो हम 1 ईयर, 3 ईयर्स, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स और 15 ईयर्स, ये सारे टाइम पीरियड्स में परफॉर्मेंस को कंपेयर कर देते हैं. तो अगर हम 1 साल का पीरियड लें तो जो निफ्टी नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स है ये 1 साल में 30.8% ग्रो हुआ, और अगर हम निफ्टी 50 को देखें तो वो 20.74% ग्रो हुआ इन दैट 1 ईयर पीरियड. अगर हम 15 ईयर्स का भी टाइम पीरियड लें तो जो निफ्टी नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स है वो ग्रो हुआ करीब 17.66% एनुअली, और अगर हम निफ्टी 50 की बात करें तो वो हुआ ग्रो करीब 15.4% एनुअली ओवर द 15 ईयर्स पीरियड. ये सेम ट्रेंड हमने 3 ईयर्स और 5 ईयर्स में भी देखा है. अब इसकी वैल्यूएशंस कैसी है, मार्केट वैल्यूएशंस वगैरह कैसी है? देखिए जब हम मार्केट वैल्यूएशंस देखते हैं तो हम परफॉर्मेंस देखते हैं, फिर हम वैल्यूएशंस देखते हैं कि हम सस्ता खरीद रहे हैं महंगा खरीद रहे हैं कोई चीज, राइट? तो अगर हम वैल्यूएशंस की बात करें तो हम वैल्यूएशंस कैलकुलेट कैसे करते हैं, एक बहुत क्लासिक मेजर होता है पीई रेशियो, जिसको हम बोलते हैं प्राइस टू अर्निंग रेशियो, राइट? तो लेट्स अंडरस्टैंड कि पीई रेशियो कैलकुलेट कैसे किया जाता है. तो आप स्टॉक प्राइस लेंगे और उसको जो है अर्निंग्स पर शेयर के साथ डिवाइड करेंगे एंड यू विल गेट द पीई रेशियो ऑफ द स्टॉक और द इंडेक्स. तो बेसिकली अगर हम एक स्टॉक का पी कैलकुलेट कर रहे हैं वो ये बताएगा कि हाउ मच प्राइस और व्हाट प्राइस द इन्वेस्टर इज विलिंग टू पे फॉर एवरी यूनिट ऑफ अर्निंग्स, राइट? और अगर पी रेशियो कम है इसका मतलब ये है कि वो कंपनी या वो स्टॉक अंडर वैल्यूड है. तो अगर हम इंडेक्स का भी पी देखें एट दिस पॉइंट, तो निफ्टी नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स का जो पी है एट दिस पॉइंट इज अबाउट 59.35 एज यू कैन सी ऑन द टेबल ऑन योर स्क्रीन. एंड अगर हम इसी पी को इस इंडेक्स के 5 ईयर एवरेज पी और 10 ईयर एवरेज पी के साथ कंपेयर करें, वी कैन से कि जो अभी इस टाइम पे ये जो इंडेक्स है ये इन्वेस्टेबल लेवल पे है कंपेयर्ड टू इट्स 5 ईयर एंड द 10 ईयर एवरेजेस. तो अभी आपने वैल्यूएशंस के बारे में बताया कि वैल्यूएशंस तो इसकी अभी रीजनेबल नजर आ रही है, तो अब आप हमें ये बताइए कि जो ग्रो नया एनएफओ लॉन्च कर रहा है तो इस ग्रो निफ्टी नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स फंड के अंदर इन्वेस्ट करने का अभी सही टाइम है या नहीं है? ओके, सो ये एक पैसिव फंड है. सो द ग्रो निफ्टी नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स फंड जो है ये एक इंडेक्स फंड है जो निफ्टी नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स को ट्रैक कर रहा है. अगर हम इंडेक्स की वैल्यूएशन की बात करें हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि इट्स एट अ रीजनेबल लेवल. आई थिंक कुछ पॉइंट्स जो और इम्पॉर्टेंट है कंसिडर करने के लिए वो ये है कि इंडिया का जो मिडिल क्लास इनकम है वो बढ़ रहा है, राइट? अगर मिडिल क्लास अर्निंग बढ़ती है तो कंजम्पशन बढ़ता है. फिर हम अगर बिजनेसेस की भी बात करें, अभी वी आर सीइंग कि काफी जो बिजनेसेस हैं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं. और उस आई थिंक अगर हम इन सारे एलिमेंट्स को कंबाइन करें जयेश जी अलॉन्ग विद एवरीथिंग दैट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द इंडेक्स, आई थिंक हम बोल सकते हैं कि अगर आप एक ऐसे निवेशक हैं जिसको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है तब आप इस फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं. लेकिन इसका जो रिस्क प्रोफाइल है वो जरूर देख लेना चाहिए क्योंकि ये फंड हाईली रिस्की कैटेगरी में आता है. तो इसीलिए सबसे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करिए बिफोर यू डिसाइड अबाउट इन्वेस्टिंग इन दिस फंड. तो नम्रता जी अब हमें ये बताइए कि ग्रो निफ्टी नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स फंड के फीचर्स क्या क्या हैं? तो देखिए अभी हमने पूरा इंडेक्स के बारे में समझ लिया, बेसिक फीचर्स हैं. फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे हम क्या समझ सकते हैं. इस फंड का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव सिंपल है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल अप्रिसिएशन देना है टू द इन्वेस्टर्स एंड दिस फंड विल इन्वेस्ट इन द निफ्टी नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स. तो निफ्टी नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स में जो भी स्टॉक्स हैं इन अ पर्टिकुलर वेटेज वही सेम स्टॉक्स इस फंड में भी रहेंगे, ऑफ कोर्स कंसिडरिंग द एक्सपेंस रेशियो एंड द ट्रैकिंग एरर. क्या ये फंड अश्योरेंसेस दे रहा है या गारंटी दे रहा है? नॉट नेसेसरली. सो इट्स नॉट गिविंग यू अश्योरेंसेस और गारंटीज की इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव अचीव होगा. लेकिन स्कीम की स्ट्रेटजी सिंपल है कि ट्रैकिंग एरर को जितना कम से कम किया जा पाएगा उतना कम से कम किया जाएगा बाय रीबैलेंसिंग द पोर्टफोलियो. अब पोर्टफोलियो रीबैलेंस कब किया जाता है? एक तो लेट्स से कि इंडेक्स में ही स्टॉक्स का वेटेज चेंज हो रहा है तो फंड में भी स्टॉक्स का वेटेज चेंज हो जाएगा. और अगर मान लीजिए फंड में ज्यादा कलेक्शंस हो रहे हैं या ज्यादा रिडेम्पशंस हो रही हैं तब थोड़ा रीबैलेंसिंग होगा. सो आई वुड से कि इन्वेस्टर्स को जो है स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट डेफिनेटली पढ़ना चाहिए और अगेन अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ जरूर कंसल्ट करिए बिफोर यू चूज टू इन्वेस्ट इन दिस फंड.
तो नम्रता जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका ग्रो निफ्टी नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स फंड या पूरे इंडेक्स के बारे में बताने के लिए पूरी डिटेल्स के अंदर। और ये काफी वैल्यूएबल डिस्कशन रहा आपके साथ, मतलब हमारे जो लिसनर्स हैं हमारे सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए काफी यूजफुल चीज रही होगी। और मैं ये भी चीज कहना चाहूंगा कि भाई इसमें इन्वेस्ट करने से पहले अपने जो फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं उनसे जरूर आप सलाह लें। और हाँ एक चीज याद रखें, ग्रो निफ्टी नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स फंड का जो डेट है 2 मई से लेकर 16 मई के बीच में ये ओपन रहेगा IMFO। So thank you, Jayesh ji, for calling me on your show, and I wish all the viewers all the very best. And thank you so much. Happy investing. ठीक है, मैं भी काफी अच्छा लगा आपसे मिलके और काफी अच्छी मतलब एक्सपीरियंस रहा और एक नया इंडेक्स के बारे में हमें जानने को मिला। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली।